गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्यार से होंगे। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड काफी ज्यादा यूजफुल भी वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आप सामने में देख सकते हो मेरे पास अलग अलग तरीके के एंड अलग ब्रांड के आपको यहाँ पे मैंने फैन रखे हुए, जो कि काफी ज्यादा यूनिक फैन लगेंगे और देखने में इसका जो लुक है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। हालांकि सारे के सारे फैन जो भी है ना पोर्टेबल है, आप इसे इजिली कैरी कर सकते हो कहीं भी सफर में। एंड यहाँ पे आप इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सा आपको सबसे बेस्ट फैन पड़े जाएगा। हालांकि सारे ही फैन आपको बहुत ही अच्छे हैं, अगर आप परचेज करो एक बार यूज करो। बट अभी इस सारे वीडियो में सारे का एक कंपैरिजन ही वीडियो समझ लो और कौन सा अच्छा पड़ेगा, कौन सा अच्छी प्राइस में आपको मिल जाता है, तो सारा चीज मैं इसमें आपको डिस्कस करने वाली हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला फैन जो है हमारा ये स्टॉलर फैन, जिसका कि मैंने वीडियो सेपरेटली बना रखा है। सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अलग सेपरेटली वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो ये है हमारा फर्स्ट फैन जो कि कुछ इस तरीके का। इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो 1200 का ये फैन है और इसका जो फंक्शन है मैंने आपको बताया कि ये कुछ इस तरीके का ये है, रोटेट आपको मैन्युअली करना होगा। बाकी थ्री स्पीड जो भी मोड है सारे में आपको मिल जाएगा, सारे फैन में आपको स्पीड मोड मिल जाएगा, थ्री स्पीड मोड। एंड सारे में आपको यूएसबी केबल भी दे रखा है, तो आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, इसकी अगर हम ना वो चार्जिंग टाइम की बात करें तो 3 to 4 आवर लगते हैं इसे फुल चार्ज होने में और इसका बैकअप है 4 to 5 आवर तक, मैंने इसे देखा है। ये हालांकि छोटा वाला फैन है इसके कंपैरिजन में। इसका कंपैरिजन वीडियो दोनों का मैंने डाल रखा है, आप वहां से जाके इस दोनों का कंपैरिजन वीडियो अगर आपको लेने हैं इस दोनों के बीच में तो उसका वीडियो जाके देख सकते हो कि कौन सी अच्छी है। तो चलो भाई, पीछे में आपको इसका जो बटन दिया हुआ है सारा चीज मतलब इसका अच्छा है। बस इसका जो हवा का स्पीड है सारे के मुकाबले आप कम कह सकते हो, क्योंकि ये छोटा है, उतना भी कम नहीं है, बट सारे के मुकाबले में ये हमको हल्का सा इसका जो स्पीड है ना वो कम लगा है। और बाकी इसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि खराब, क्वालिटी इसके बराबर है। मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया था कि इसके बराबर है, दोनों की क्वालिटी आपको सेम मिल जाएगी। बस जो कुछ फंक्शन है वो आपको अलग अलग दिए हुए हैं, तो आप अपने प्राइस के जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप, अगर आपको जाना है 1100 to 1200 पे के प्राइस में तो आप ये वाला फैन परचेज करो जो कि पोर्टेबल है, काफी अच्छा है। आप इसे कहीं टेबल पे रख के पढ़ सकते हो या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं सोए हुए हैं तो अगर बेड पे भी आप इसे रख सकते हो तो इजिली रख सकते हो, या फिर ये किसी रॉड में भी आप, ये देखो मैंने पहले ही बताया है कि ये जो इसका जो स्टॉलर है इस तरीके से फोल्डेबल है, किसी भी एंगल से ये आप इसे फोल्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बस प्लेन सरफेस चाहिए, कुछ वैसा चीज है। इवन मैंने उस वाले वीडियो में इसी चेयर में आपको पीछे लगा के दिखाया था कि ये उस पे भी आ जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज मिल जाती है। अगर बेड पे भी एक गिरता है तो कोई भी रिस्क नहीं है, सेफ्टी इसमें दी हुई है। तो चलो, इस फैन के बारे में मैंने बात किया, बैकअप के बारे में बात किया। अगर आपको 1100 to 1200 के बीच में जाना है तो आप ये वाला चूज करो। अगर हम सेकेंड फैन पे आए, ये वाला, तो गाइस ये भी हमारा गियर टॉप ब्रांड का है, ये दोनों हमारा सेम ब्रांड है। तो अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो 2000 प्राइस इस फैन का आपको मिल जाएगा। बाकी इसके जो फंक्शन है वो काफी हल्का, काफी तो अलग नहीं है बट कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि इसमें अलग दी हुई है। इसमें एक चीज आपको प्लस पॉइंट फीचर मिल जाता है कि इसमें आपको LED भी दे रखी है। यहां से अगर आप LED ग्लो कराना चाहो तो ये देखो, अगर आपको चलाना भी नहीं है, फैन का कोई यूज नहीं है, तो आप एक लाइट के रूप में आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये चीज इसमें आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है। बाकी इसका अगर हम स्पीड की बात करें तो इसके मुकाबले ये वाला स्पीड चूंकि आपको अच्छा मिल जाएगी। हालांकि ये बड़ा है फैन तो इसके जो हवा का स्पीड है काफी ज्यादा अच्छा लगा है। और क्वालिटी की बात करें तो दोनों की क्वालिटी मैंने पहले भी बताया, दोनों की क्वालिटी में आपको कोई कंप्रोमाइज, मतलब दोनों की सेम आपको क्वालिटी मिल जाएगी। प्राइस आपको 2000 है। अगर आपको इस बजट में लेने हैं तो आप ये वाला फैन चूज करो, ये वाला। अगर इस रेंज में जाना है तो आप ये वाला करो, क्योंकि इसका गाइस जो लुक है ना, आप अलग ही हटके लुक है। आप इसे हाथ में भी लेके कहीं चल भी रहे हो तो कहीं छत पे गए या फिर बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो ये वाला फैन मतलब काफी, ये इसका वेट ज्यादा नहीं है गाइस, ये 400 ग्राम के अप्रॉक्स होगा और ये 300 ग्राम के अप्रॉक्स होगा, तो इसका वेट ज्यादा नहीं है। तो चलो, इसकी भी मैंने बात की, इसका ये दे रखा है। और एक चीज इसमें दी हुई है गाइस, इसमें आपको ये रोटेट भी करता है। यहां से अगर हम चलाएं
और यहाँ से ये देखिए ये रोटेट भी करेगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऐसे रोटेट भी करता है, तो ये इसमें मेरे को अच्छा लगा है। चलो बात करते हैं दूसरे फैन के बारे में। गाइस इस अगर हम फैन की बात करें, ये जो देख रहे हो इसका साइज उस दोनों से भी ज्यादा बड़ा है। आप यहाँ पे देखो, इसका भी मैंने अलग सेपरेटली वीडियो डाल रखा है, अनबॉक्सिंग रिव्यू कर रखा है। बस इसका जो प्राइस है वो मेरे को लगता है, सॉरी इसका प्राइस मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे डाल दूंगी, आप देख लेना। बट इसका जो हवा का स्पीड है वो ऐसा नहीं है कि बड़ा है तो इससे ज्यादा है, मेरे को इस इतना ही लगा है इसका हवा का स्पीड। तो यहाँ से इसमें भी आपको 3 स्पीड मोड मिल जाता है, और इसके बिल्कुल साइलेंट फैन है गाइज, ऐसा नहीं है कि ये चल रहा है तो बहुत ज्यादा आपको नॉइज हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और इसमें भी आपको ये रोटेट करने वाला दिया हुआ है, यहाँ पे 2 बटन दिए हुए हैं, तो इसमें भी आपको ये रोटेशनल मिल जाता है। इसकी क्वालिटी कुछ हल्का सा ऐसा टिन टाइप नहीं होता है ये वाला, इसका क्वालिटी काफी अच्छा मेरे को अच्छा लगा है, हालांकि इसका बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा दे रखा है। ये गिरेगा भी तो मेरे को ये ब्रेक होने का चांस नहीं लग रहा, बट ये अगर गिरता है उसी हाइट से तो ये ब्रेक हो सकता है, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है कुछ हल्का लो है इस वाले से। बाकी गाइस इसमें एक आपको दिया हुआ है, इसमें स्टैंड भी दिया हुआ है, ये जो आप देख रहे हो मोबाइल स्टैंड, यहाँ पे आप स्टैंड करके कोई भी चीज, आप मूवी वगैरह देख रहे हो या फिर यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे आप करके देख सकते हो, ये चीज आपको एक मिला हुआ है। और एक चीज ये भी पोर्टेबल है, अगर आप इसे करना चाहते हो कहीं कैरी करना चाहते हो तो आप हर एक पार्ट को इसमें आप खोल भी सकते हो, खोल के आप इसे किसी बॉक्स में इसके पैक कर सकते हो और इजिली कैरी कर सकते हो, तो ये चीज में दिया हुआ है। तो गाइज इसका भी जो इसकी अगर हम बैकअप की बात करें, बैटरी बैकअप, तो ये चीज सबसे अच्छा है कि इसमें 10 आवर की आपको बैटरी बैकअप मिल जाती है, सबसे अच्छा आपको प्लस पॉइंट ये है। हालांकि इसका मैंने बताया इसका 4 to 5 छोटे वाले का, और ये वाला जो था इसका मैंने बताया इसका शायद 6 था, हाँ मे बी 6 आवर इसका जो बैटरी बैकअप है ये है, और इसका फुल पूरा आपको 10 घंटे तक इसकी जो बैटरी है वो चल जाती है, तो बहुत ही अच्छा। वो डिपेंड करता है आप कौन सी स्पीड पे चला रहे हो, अगर आप लो स्पीड पे चला रहे हो तो और भी ज्यादा चल सकती है, मैंने हाईएस्ट स्पीड की बात की यहाँ पे, तो आप 10 आवर तक आपको अच्छे से बैकअप दे सकता है। तो गाइस ये रहा इस फैन से रिलेटेड, इसकी प्राइस मैंने सॉरी बताया ना कि भूल गई यहाँ पे आप जाके, हालांकि इस दोनों से कुछ ज्यादा हो सकता है इसका प्राइस, तो मैं डाल दूंगी ठीक है। तो ये है इस फैन, अब मैं जो मेरा सबसे अच्छा सा क्यूट सा फैन है वो है ये, जिसका कि मैंने वीडियो बनाया है, ये देखो कितना छोटा सा और कितना क्यूट सा ये फैन है, और उसका कलर काफी ज्यादा अच्छा है। ये एक पैकेट फोन है, पॉकेट में आप इसे इजिली डाल सकते हो, कहीं कैरी कर सकते हो, पर्स में डाल सकते हो, इवन मतलब कुछ भी आपके पास है ना उसमें आपको एक छोटा सा आ जाएगा, आपके पैकेट में भी आ जाएगा। और इसका फंक्शन काफी मतलब ऐसे लेके भी चलोगे हाथ में तो कोई कहेगा भाई ये क्या है, तो आप इसको दिखाना कि भाई ये तो छोटू सा फैन है। और इसमें एक पीछे में आपको LED भी लगी हुई है जो कि मैंने आपको दिखाया, बहुत ही ज्यादा क्यूट सा है। इसमें भी आपको गाइस USB केबल दे रखा है, और यहाँ से इसमें भी आपको 3 स्पीड मोड दे रखा है, तो यहाँ से देखो ये फैन है जो मेरा, ये यहाँ से इसका स्पीड देखो, माइक भी मैं ले जा रही हूँ, यहाँ से स्पीड आपको इसका समझ आएगा। तो ये आप इसे पर्स में भी रख के कहीं भी कैरी कर सकते हो, बाकी इसका जो यहाँ से हैंग करने के लिए भी दिया हुआ है ये गाइस, इसका जो प्राइस है वो 600 रुपीज है, इसका बैकअप 3 आवर है, उससे ज्यादा नहीं है, 3 आवर तक आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा क्यूट सा, एक आप किसी को गिफ्ट करना चाहो तो ये कर सकते हो, मतलब बहुत ही ज्यादा मेरे को यूनिक, मानते हैं कि हवा सबका ज्यादा अच्छा है बट इसका हल्का सा कम है, लेकिन ये अलग ही एक आपको प्रोडक्ट मतलब लग रहा है फैन कि कुछ तो है। मैंने इसको पहली बार देखा तो परचेज किया, ये देखो 600 का इसका प्राइस है, तो आप इसे खरीद सकते हो या फिर आप बच्चों को भी दे सकते हो, इवन आप इसे स्कूल में भी ले जा सकते हो या फिर कहीं कोचिंग वगैरह जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो तो इसे ले जा सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में था, हमने किया 4
फैन का मैंने आपको बताया कि कौन सा आपको प्राइस के अफोर्डेबल है नहीं है, कौन अगर उस बजट पे जाते हो तो कौन सा फैन आपको परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गाइस ये है हमारा आज का वीडियो जो कि इस चीज से रिलेटेड था। अगर इस वीडियो में आपको जरा सा भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर आपको कमेंट में रिप्लाई ना मिले तो बॉटम मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहां अगर कोई क्वेश्चन करते हो तो मैं इजिली रिप्लाई दूंगी। हालांकि सारे जितने भी फैन है सारे फैन का जो भी मैंने वीडियो डाल रखा है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगी, अगर आपको सेपरेटली वीडियो देखना है तो वो आप देख सकते हो। और साथ ही साथ ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सारे का बाय लिंक भी डाल दूंगी, अगर जो आपको पसंद कर आए वो आप वहां से ही परचेज कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।